करते हैं और नजर डालते हैं हमारी ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा इंटेंस चीजें हमको नजर आने वाली हैं। देयर इट इज, स्काईलाइट गेमिंग टेकिंग द फर्स्ट पोजीशन अवे फ्रॉम टीम एक्सो। 10 पॉइंट्स का डिफरेंस दोनों टीम्स के बीच में। करता रहता सब यही लोग हैं, जिस तरीके से स्काईलाइट गेमिंग के लिए हम लोग बोल रहे थे कल, स्टार्टिंग के 3 मैच ऊपर थे, बट अब कहां हैं ये लोग, अभी भी टॉप पे हैं। वेल इफ यू कैन सी द टेबल, अभी भी कोई टीम लाइक 10 पॉइंट ही है अभी जो डिफरेंस है, बट स्टिल एक्सो को कल आके वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज प्लेसमेंट्स पॉइंट बोलो या तो फिर फिनिशिंग पॉइंट बोलो, दोनों में बैलेंस वे में स्काईलाइट गेमिंग ने निकाली है वो दोनों के दोनों सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने निकाला जरूर, बट देन अगेन अगर हम लोग आगे की सिचुएशंस की बात करें, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर उन टीम्स को डेफिनेटली होती हुई देखने को मिली, बट इनसेन का जो ड्रॉप डाउन रहा है दैट हैज बीन क्वाइट अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। 14 नंबर पे आप देखोगे हैदराबाद हाइड्रास का एक जो एप्रिसिएशन हुआ है ऊपर, 106 पॉइंट्स टोटल, तो लाइक क्लियरली ये हार्ड वर्क का एक रिजल्ट्स है। एंड सेम गोज फॉर रेमिनेंट ईस्पोर्ट्स, उनके लिए भी जो चिकन आया था सेनॉक वाला, दैट वाज आल्सो ग्रेट टू वॉच, 105 उनके पास भी पॉइंट है। एनिग्मा गेमिंग दे गॉट 93, टीम इनसेन ईस्पोर्ट्स दे गॉट 78, सेवन सीज गॉट 74। और यहीं पर अगर हम लोग 9 से 16 की बात करें तो हमें देखने को मिलती हैं कुछ टीम्स जिनका स्ट्रगल अभी खैर चल रहा है। ओआर स्पोर्ट्स वो 69 पॉइंट्स पर है, राइवलरी की बात करें 62-8 बट 51 पॉइंट्स फॉर देम, एनिग्मा फॉरएवर 49 पॉइंट्स के साथ है, गॉड लाइक यहां पर 45 पॉइंट्स, एक्स पार्क 39 पॉइंट्स, और ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करें सेम उनके भी पॉइंट्स बनते हैं, ब्लाइंड 21।